अबे यार बहुत तेज भूख लगी है और घर पे कुछ खाने के लिए भी नहीं है। ये फ्रूट्स भी नकली है, ये बस डेकोरेशन का एक सामान है। यार रसोई में भी कुछ नहीं रखा हुआ भाई। अबे यार ये सारी बोतलें भी खा ली है, अब इस पेट की आग को बुझाने के लिए क्या करूं? मुझे लगता है गाइस मार्केट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर खुद का छोड़ भी दूं तो शिनचान और चॉप को तो कुछ खाने के लिए चाहिए ना। वैसे इससे याद आया ये दोनों है कहाँ पर, यही से जंप लगा लेता हूँ, इतना घूम के कौन जाएगा। शिनचान अबे कहाँ चले गए? एक मिनट गाइस ये क्या है, कौन है वहाँ पर, बाहर निकलो। गाइस ये तो चूचू चार्ल्स है, भागो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ये मेरे घर पर कैसे आया। अरे फ्रैंकलिन भैया बाहर आ जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैं ही हूँ। शिनचान ये तू क्या पहन के आया है, और तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ऐसे कोई किसी को डराता है क्या? अरे ये मुझे ऑनलाइन मिला था और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। अगर किसी ने तेरे को ऐसे देख लिया ना तो बहुत मारेंगे, तुझे पता है ना शहर में चूचू चार्ल्स का कितना खौफ चल रहा है। अरे यार इसमें इतनी भड़कने की क्या बात है, छोड़ो ना फ्रैंकलिन भैया। एक मिनट रुक, किसका कॉल आ रहा है? टोनी। हेलो फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, हमें चूचू चार्ल्स मिल गया है, अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। क्या बात कर रहे हो, अच्छा ठीक है। शिनचान चॉप मेरी बात सुनो, जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, टोनी ने चूचू चार्ल्स को पकड़ लिया है। पर ये कॉस्ट्यूम उतार के आना वरना गाड़ी में नहीं लूंगा। गाइस यार फटाफट से चलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। अरे रुको फ्रैंकलिन भैया, मैंने कॉस्ट्यूम उतार दिया है और ये लो मैं आ गया, तो अब चलते हैं जल्दी से। वैसे एक बात बताओ, उन्होंने उसे पकड़ा कैसे? चॉप यार मैं भी तेरे साथ ही था ना, मुझे कैसे पता होगा। अरे तो आपको पूछना चाहिए था ना। शिनचान मैं पूछ लेता पर टोनी ने तुरंत ही कॉल काट दिया। अरे रहने दो रहने दो, ये सब आपके बहाने हैं, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। अबे यार बात ही तो करनी थी, इसमें क्या ढंग से नहीं कर सकते। अरे एक तो आप दोनों लड़ना बंद करो, आजकल बहुत ज्यादा ही लड़ाई करते हो। सुन लिया ना शिनचान, अब ये सब बंद कर, वैसे भी हम लोग पहुँच गए, जल्दी से बाहर निकलो। अच्छा ठीक है जल्दी से चलो। गाइस यार फटाफट जाते हो। ओ भाई साहब, अबे ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वैसे टोनी तुमने इसे पकड़ा कैसे? और ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता। मुझे छोड़ो, जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अबे यार इसकी तो आवाज भी बहुत डरावनी है, कुछ तो बता दो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब हो रहा है कि तुमने इसे पकड़ लिया। टोनी यार कुछ तो कर। रुको अभी बताता हूँ, हम टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे जिससे तुम इसका पास देख सकते हो। ये लो मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया है, सब लोग तैयार हो जाओ। तो गाइस आज बहुत दिनों बाद हम किसी के 99 इयर्स देखने जा रहे हैं, तो जो जो एक्साइटेड है जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं चूचू चार्ल्स के 99 इयर्स। ये कहानी है एक परिवार की जो कि गांव साइड रह के अपना गुजारा करते थे और वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश थे। उसी परिवार का सदस्य था एक बच्चा जो कि अभी स्कूल से घर जा रहा था। चलो फाइनली मैं अपने घर पर पहुंच गया हूँ, मम्मी पापा मैं घर पर आ गया हूँ, आप लोग कहाँ पर हो? वो रही मम्मी। एक मिनट ये क्या, मेरे पापा क्यों रो रहे है, यहाँ पर क्या हुआ है? मम्मी ये सब क्या चल रहा है, पापा को क्या हुआ? तुम्हें तो पता ही है इतने सालों से यहाँ पर खदान का काम चालू है, वो माफिया जगह जगह पर खुदाई कर रहा है और वो चाहता है कि अब हमारा घर भी खोदे, उसे लगता है इसके नीचे सोना है। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये हमारा घर है, हमारी मर्जी के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। हमने उनसे वही कहा था पर वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। वो लोग ऐसे कैसे मेरा घर ले सकते हैं? पापा आप चिंता मत करो, मैं हमारे घर को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं भी देखता हूँ वो लोग यहाँ पर कैसे आते हैं, मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। उस बच्चे की माँ एकदम सही कह रही थी, वो लोग आधे से ज्यादा गांव को खोद चुके थे, जगह जगह पर खदान ढूंढ रहे थे जहाँ से उन्हें सोना मिल सके, और इन सब के पीछे था ये आदमी जिसे यहाँ का माफिया डॉन भी कहा जाता था। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा तुम मेरे यहाँ से सोना चुरा के दूसरी जगह बेच रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? ये लो, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब तो तुम बचोगे नहीं, आज तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हें पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। सोच समझ कर काम नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, गई ना तुम्हारी जिंदगी। और तुम सभी लोग मेरी बात सुनो, ये काम इतना स्लो कैसे हो गया है? हम खदान का काम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हमारे बीच में घर आ रहा है और वो लोग हमें खोदने की परमिशन नहीं दे रहे। जो परमिशन नहीं देता है उसके साथ क्या करना चाहिए मुझे अच्छे से पता है, तुम में से एक जन मेरे साथ चलोगे। पर बॉस आप क्या करने वाले हो, हमने उनसे 10 बार बात कर ली है, वो मानने को तैयार ही नहीं। मैंने तुमसे कहा ना मैं अपने आप मनाऊंगा उन्हें, जल्दी से आके गाड़ी में बैठो, आज उन्हें पता चलेगा मुझे ना बोलने का अंजाम। वो माफिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और निकल पड़ा था उस बच्चे की फैमिली की तरफ। चलिए देखते हैं आगे। यही वो घर है ना, अब बताते हैं इसे, गाड़ी को यहीं पर रोकता हूँ, वो रही उसकी फैमिली। चलो सही टाइम पर सही जगह पर मिल गए ये लोग। मेरी बात सुनो, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है एक बारी में कि मेरे आदमी तुमसे बार बार क्या आके कह रहे हैं? हमें तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी, तुम लोग हमारा घर तोड़वाना चाहते हो, हम ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं देंगे। बच्चे तू अभी अंडे से बाहर आया है, ज्यादा फुदक मत। और अंकल आंटी बच्चा तो ना समझ है, आप तो समझदार हो, चुपचाप
ये घर खाली कर दो, इसके बदले आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, ये जमीन मेरे पुरखों की है। हाँ हाँ चले जाओ यहाँ से, हमारी जिंदगी से दूर। अच्छा ऐसी बात है, एक काम करता हूँ, तुम्हें भी तुम्हारे पुरखों के पास भेज देता हूँ। ये ले, अब आपकी बारी। और बच्चे तू सुन, तू छोटा है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, आज शाम तक घर खाली कर देना, वरना आज तो बस एक टांग तोड़ रहा हूँ, कल को सीधा सर पर गोली मारूंगा। अब ये लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। चलो अब चलते हैं यहाँ से, जाकर काम भी चालू करना है, मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। इस माफिया ने हस्ती गिलती फैमिली को बर्बाद करके रख दिया था, एक बच्चे से उसके माँ बाप छीन लिए थे। क्या ये कहानी का अंत है या फिर इसकी शुरुआत? अरे बाप रे, और ये मेरी मम्मी पापा को क्या हुआ? उसने तो इन दोनों को मार दिया है, अब मैं क्या करूँगा? अब तो मैं पूरी तरीके से अकेला पड़ गया हूँ। जरा यहाँ पर देखो। एक मिनट, ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे कोई बोला, ये कौन है, तुम हो कौन? मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो कुछ सालों पहले मेरे साथ भी हुआ था। वो माफिया ऐसे ही लोगों की फैमिली को मारता रहता है, हमें उसे खत्म करना होगा, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं उसका क्या ही बिगाड़ लूंगा। चिंता मत करो, ये गांव मुझे बहुत प्यारा है, अगर इस पे कोई आ जाएगी तो मैं सहन नहीं करूंगा, मैं तुम्हें पावर दूंगा ताकि तुम उसे हरा सको। तुम किस पावर की बात कर रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। अरे बाप रे, ये मुझे क्या हो गया, मैं ऐसा कैसे बन गया, मैं तो एक छोटा सा बच्चा था, तुमने क्या किया मेरे साथ, कहाँ गया? मुझे लगता है उसने मुझे एक मौका दिया है ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। सबसे पहले तो उनका काम बंद करवाता हूँ। अरे बाप रे, जरा इस जगह की हालत तो देखो, पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया, ये सब ज्यादा देर नहीं चलेगा, मुझे ये सब रोकना ही होगा। एक मिनट, ये तो उसी के आदमी लग रहे हैं, मुझे तो इनकी गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर इनको जरूर पड़ेगा। ये लो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सब उस पाप के बराबर हिस्सेदार हो, तुम लोगों का घर कैसे छीन सकते हो, वो भी बिना उनकी मर्जी के। एक भी नहीं बचेगा यहाँ पर, मैं सबको खत्म कर दूंगा, सबको खा जाऊंगा, मैं अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, तू भी नहीं बचेगा। ये ले, ये सब उस माफिया के आदमी है, मुझे उस माफिया को भी ढूंढना है, इन सब के बाद मैं उसे भी खत्म कर दूंगा, मैं भी देखता हूँ तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ते हो। आ जाओ जितने भी बचे हो, फाइनली मैंने सबको मार ही दिया है, मुझे लगता है वो माफिया यहाँ से भाग चुका है, पर कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। उस बच्चे का नाम था चार्ल्स, और जो आत्मा उसे दिखी थी, गांव के लोग उसे चूचू बुलाते थे, और जैसे ही गांव वालों ने इस ट्रेन के डब्बे को देखा, गांव वालों को लगा कि चूचू की आत्मा किसी ट्रेन के डब्बे में घुस गई है, ऐसे ही इसका नाम पड़ा चूचू चार्ल्स। चार्ल्स उस माफिया को ढूंढता रहा कई महीनों तक, कई सालों तक, अलग अलग जगहों पर, वो उसे ढूंढने में नाकामयाब रहा। इतनी जगह पर घूमने की वजह से चूचू चार्ल्स अब फेमस हो गया था, लोग उससे डरने लगे थे। चैन से सोना है तो जाग जाओ, शहर में देखा गया खतरनाक सा ट्रेन का डब्बा जिसके मकड़ी जैसे पैर है, आप भी अगर उसे कहीं पर देखे तो तुरंत वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे। गाइस यार, शहर में क्या क्या होते रहता है। टोनी यार, तुमने मुझे डराई दिया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जो अभी न्यूज पर देख रहे थे, मैं तुम्हें उसके बारे में ही बताने वाला था, वो बहुत ही खतरनाक चीज है, तुम शिनचैन और चौप को ज्यादा बाहर जाने मत देना। अरे नहीं नहीं, ऐसी न्यूज देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे एक बात बता, तू तो यहाँ पर है, अगर वो गलती से अवेंजर मेंशन पर पहुँच गया तो? तुम उसकी चिंता मत करो, इसलिए मैंने वहाँ पर हल्क को खड़ा किया है ताकि वो पहरेदारी कर सके। वो माफिया तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, मैंने यहाँ के अवेंजर के बारे में बहुत नाम सुना है, शायद ये लोग मेरी मदद कर सके, मुझे लगता है मैं पहुँच नहीं वाला हूँ। ये कौन है हरे रंग का, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अवेंजर से मिलना है। मेरा नाम हल्क है और मैं ही अवेंजर हूँ, तुम इसके आगे नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे लगता है तुम ऐसा नहीं मानोगे, हल्क तुम्हें सबक सिखाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो, कहा गया ये? अरे बाप रे, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया था, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है ये मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा, यहाँ पर आने का प्लान ही बेकार था। कहाँ पर भागते हो, यहाँ पर आओ, तुम्हें क्या लगा था तुम हल्क समझ के भाग जाओगे? अरे बाप रे, ये तो पागल है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे उस माफिया को भी मारना है, अगर इसने मुझे अभी मार दिया तो मैं अपना बदला कैसे लूंगा? मेरी बात सुनो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। पर मेरी तुमसे है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अब ये लो। ये तुम क्या कर रहे हो, एक बार मेरी बात सुन लो। आखिरकार मैंने इसे बेहोश कर ही दिया, इसकी असली जगह जेल में है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। चूचू गया तो था
अवेंजर से मदद मांगने, पर हुआ उसका उल्टा ही। हल्क ने उसे जेल में पहुंचा दिया और अब इसे यहाँ पर आए कुछ महीने हो चुके हैं। पता नहीं मैं यहाँ से कब बाहर निकलूंगा, यहाँ पर बहुत दिन हो चुके हैं मुझे। अब तक मैं उस माफिया को भी नहीं ढूंढ पाया, पर समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। एक मिनट, ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये लोग तो मुझ पर ही हंस रहे है। जरा इसको देखो तो सही, कितना अजीब सा है। बस आपने एकदम सही कहा, तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये क्या रिशाने, तो हमको हुल दे रहा है। तेरे को पता है अपन कौन है? तुम्हारा पता नहीं, पर अब तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ। ये लो और ये खाओ, अब तेरी बारी। मुझसे पंगा लेने चले थे, पड़ गया ना बारी। अब मैं और सहन नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे उस माफिया को ढूंढना है, अपने माँ बाप का बदला लेना है। मुझे लगता है बाहर से निकलने का रास्ता या ऊपर से होगा। यहाँ से तो पुलिस जा रही है, मुझे आगे जाना होगा। ये जगह ठीक रहेगी, मुझे बाहर का रास्ता दिखाई दे रहा है। बस मैं कुछ ही देर बाद पहुंच जाऊंगा। एक मिनट, ये क्या? ये तो पुलिस वालों की गाड़ी है। तुम लोग ही मुझे यहाँ पर पकड़ के लाए थे। ये लो, तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं। जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता हूँ। बहुत हो गया अपने पैरों का इस्तेमाल, अब मुझे अपने टायर का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब को खत्म करके जल्दी से जल्दी यहाँ से चलता हूँ, वरना पुलिस मुझे फिर से पकड़ लेगी। मेरी टायर की मदद से मैं बहुत ही स्पीड से यहाँ से निकल जाऊंगा। चूचू जेल से तो भाग गया था, पर क्या ऐसा करके वो बच जाएगा? क्योंकि ये लॉस सेंटोस की पुलिस है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। चूचू अपनी पूरी स्पीड से भाग रहा था। ये क्या, ये लोग तो सामने से आ गए, अब इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊ? मैं इतने सारे जनों को एक साथ नहीं मार सकता। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? इसने तो सीधी ही टक्कर मार दी। साइड से होके निकल जाता हूँ। ये गाड़ियाँ तो रुकने का नाम नहीं ले रही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चूचू भागता रहा, पुलिस उसका पीछा करती रही। वो कभी अपनी टायर की मदद से, तो कभी अपने पैरों की मदद से, कैसे भी करके वहाँ से निकलना चाहता था। क्या वो इसमें कामयाब होगा, या फिर पुलिस उसे दोबारा पकड़ के जेल में डाल देगी? चलिए देखते हैं आगे। मुझे यहाँ से निकलना होगा। एक काम करता हूँ, कच्चे रास्ते से होकर जाता हूँ। बस एक बार इनकी नजरों से बच जाऊँ, फिर मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। आखिरकार मुझे लग रहा है मैंने इनसे पीछा छुड़ा ही लिया। चूचू ने पुलिस से तो पीछा छुड़ा लिया था, उसके बाद वो एक टनल में छिप गया। कुछ सालों तक वही पर रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो माफिया कहाँ पर है। पर फिर उसने सोचा कि यहाँ पर रह के कुछ नहीं होगा, उसने वहाँ से निकलने की ठान ली। मैं कितने सालों तक इस टनल में था, पर कोई रास्ता निकल कर नहीं आया। मुझे उस आत्मा की मदद चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे बुलाऊं। मुझे तपस्या करनी होगी, पर वो यहाँ पर मुमकिन नहीं है। एक काम करता हूँ, पहाड़ों में चला जाता हूँ। ये पहाड़ ठीक रहेगा, इतनी ऊंचाई पर मुझे कोई ढूंढने नहीं आएगा। जल्दी जल्दी ऊपर जाता हूँ, बस कैसे भी मेरी बात चूचू से हो जाए। मुझे उस आत्मा की जरूरत है, मुझे और ताकत चाहिए। अब यही पर तपस्या करता हूँ, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। चूचू उस पहाड़ पर पहुँच गया था और वहाँ पर जाके उसने अपनी तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, हफ्ते बीते और देखते ही देखते कई महीने बीत गए। सर्दी हो या गर्मी, भले कोई भी मौसम हो, उसने भूखे प्यासे रहते हुए तपस्या को जारी रखा। पर एक ऐसा पॉइंट आया कि उसे लगा वो आत्मा उसे नहीं मिलेगी। उसने सोचा ये सब का कोई फायदा नहीं है, उसने वो सब वही पर छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि वो आत्मा मुझसे मिलना चाहती है। ऐसा नहीं है, मैं आ गया हूँ। चूचू, ये तो तुम ही हो, मैंने तुमसे मिलने के लिए बहुत जतन किया है। बताओ क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया है? मैंने बहुत कोशिशें कर ली, अब तो बहुत साल बीत गए हैं। पता नहीं वो माफिया कहाँ पर है, और ये इंसान भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। मुझे और ताकत चाहिए और उस माफिया की लोकेशन। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें और पावर दूंगा, पर इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये लो। अच्छा ठीक है, ये क्या, मैं तो पहले से बड़ा हो गया हूँ और ज्यादा ताकतवर भी। चूचू तो चला गया और उसने मुझे बता भी दिया कि वो माफिया कहाँ पर है। अब मुझे पता है कि उसे कहाँ पर जाके मारना है। मैं आ रहा हूँ, अब तो वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मुझे पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली फील हो रहा है। एक तरफ चूचू चार्ल्स अपना बदला लेने निकला था, और दूसरी ही तरफ उसके बारे में भूतिया पार्टी को पता चल चुका था। अले पेनी भाई, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे सिलेंडर मैन, तुमने चूचू चार्ल्स के बारे में सुना है? अले वो प्लेन का डब्बा, वो तो बहुत खतरनाक है ना। तुमने एकदम सही सुना, मैंने उसी के बारे में बताने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। हम उसे अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। तुम एकदम सही कह रहे हो, मैं आ रहा हूँ माफिया, अब तेरा खात्मा होगा। ये क्या, पुलिस यहाँ पर भी पहुँच गई? कोई बात नहीं, अब मैं पहले जितना कमजोर नहीं रहा। ये लोग मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, कोई मुझे नहीं रोक सकता, मेरे आसपास आने वाला भी नहीं बचेगा। जरा देखो तो सही, ये गाड़ियाँ कैसे अपने आप ब्लास्ट हो रही है, वो भी बिना मुझे टच किए। ये होती है पावर। अब मैं भी देखता हूँ मेरे माँ बाप का बदला लेने से मुझे कौन रोकता है। वो माफिया मिलिट्री बेस में छुप कर बैठा है, पर कितने दिनों तक उसकी
मौत उसका पीछा करते हुए आ रही है। काफी सालों के बाद चार्ल्स इतने गुस्से और जोश में दिखा था क्योंकि उसे पता था कि अब वो माफिया कहाँ पर है और वो ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। पर क्या वो इसमें कामयाब होगा या वो माफिया इस बार वापस से बच जाएगा? यही वो जगह है। ये क्या, इन्होंने तो इसे बंद करके रखा है। इन्हें लगता है ऐसा करके वो बच जाएगा। हटो मेरे रास्ते से। मैंने कहा था अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं आ गया हूँ। मैंने सुना यहाँ पर बहुत सोल्जर होते हैं, पर मैं किसी से नहीं डरता, ना ही मुझे कोई रोक पाएगा। ये लोग कौन है और ऐसे क्यों खड़े हैं मेरे रास्ते में? कहीं ये उस माफिया के आदमी तो नहीं? कोई बात नहीं, ऐसा है तो ये भी मरेंगे। तुम जो कोई भी हो वहीं पर रुक जाओ, इसके आगे नहीं जा सकते। मेरी सेना तुम्हें रोकेगी, तुम देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम सबका खात्मा मैं एक ही साथ करूंगा। ये लो, कोई नहीं बचेगा। मेरे अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। तुम सारे इंसान एक जैसे हो, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। वो माफिया खुलेआम घूम रहा है, तुम उसे बचा रहे हो। उसके जितने भी साथी है, जितने भी साथ देने वाले है, सब मेरे दुश्मन है। तुम में से कोई नहीं बचेगा। जाओ यहाँ से, फालतू ही मरने के लिए आ रहे है। मैंने पहले ही कहा था मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे बाप रे, ये क्या, ये तो ऐसे नहीं रुकेगा। मुझे अवेंजर की मदद लेनी होगी। एक काम करता हूँ, कैप्टन को फोन करता हूँ। हेलो कैप्टन अमेरिका, जल्दी से मिलिट्री बेस आ जाओ। यहाँ पर चूचू चार्ल्स आ गया है और वो सबको खत्म कर रहा है। वो यही पर होना चाहिए। वो रहा, आखिरकार मुझे मिल ही गया। तुम कौन हो? मैंने सुना है तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? मैं वही बच्चा हूँ जिसका घर छीनने के लिए तुमने उसके माँ बाप को मार दिया था। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम मुझे खत्म करोगे? अरे बाप रे, ये कौन है? अब ये कहाँ से आ गया? हट जाओ ट्रेन के डब्बे, तुम या किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। चलो, बार बार बच गया। अच्छा हुआ कैप्टन यहाँ पर आ गया है, मेरे पास यही मौका, यहाँ से भाग जाता हूँ। मैंने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने बहुत लोगों की जान ली है, ये कोई तरीका नहीं होता। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे वजह से वो फिर से भाग गया। यहाँ पर आओ, आज तो तुम्हें तबाह कर दूंगा। तुम लोग मेरे बदले के बीच में आ रहे हो। तुम में से कोई नहीं जानता उस आदमी ने मेरे परिवार के साथ क्या किया था। तुम लोग उसकी मदद कर रहे हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो कैसा है। वो लोगों के सामने अच्छा बनता है, अंदर से उतना ही निर्दयी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे रोका मेरा बदला लेने से। वो यहाँ से जा चुका है, तुमने ये क्या किया? चलो, इसे तो मैंने अपने रास्ते से हटा दिया। अब मुझे नहीं पता कि वो माफिया कहाँ पर छुप के बैठा है, पर मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। अभी जाके उसे ढूंढता हूँ, मैं भी देखता हूँ कहाँ तक भागता है वो। ये क्या, वो तो यहाँ कहीं पर भी नहीं है। ये अवेंजर मेरे रास्ते का कांटा बन गए हैं। कोई बात नहीं, कब तक मुझसे छुपेगा? एक ना एक दिन मैं उसे ढूंढ ही लूंगा, ये मेरा वादा है। उसे मारने के सिवा अब मेरा कोई मकसद नहीं, और ना ही मैं उसे मारने से पहले मरूंगा। उसके लिए भले मुझे पूरी दुनिया को आग लगाना पड़े। हमारा चूचू चार्ल्स बदले की आग में जल रहा था। अब बहुत साल बीत गए और उसका रूप भी चेंज हो चुका था। वो दिखने में पहले से काफी अलग और काफी खतरनाक बन गया था। आखिरकार मेरे पास उसकी लोकेशन आ ही चुकी है। अब मुझे पता है वो कहाँ है। वो नहीं बचेगा मेरे हाथ से। ये उस माफिया का आखिरी दिन होगा। वो किसी ट्रेन में बैठकर जा रहा है और वो ट्रेन एक फैक्ट्री के पास पहुँचने वाली है। मुझे पता है वो फैक्ट्री कहाँ पर है। यही वो फैक्ट्री है, ट्रेन आने ही वाली होगी। मुझे बस कैसे भी करके उसके अंदर जाना है। अरे बाप रे, चलो बार बार बचा, अब तो मैं नीचे ही गिर जाता। एक मिनट, ये कैसी आवाज? ये क्या, ये तो उसी के गुंडे हैं। ये लोग मुझे यहाँ पर रोकने आए हैं, मतलब माफिया उसी तरफ है। जल्दी जल्दी जाके सबको खत्म कर देता हूँ। हटो मेरे रास्ते से, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सबको मैं नीचे फेंक दूंगा। तुम सब अब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। माफिया के साथ साथ आज तुम्हें मौत देखने मिलेगी। ये लो, उसे क्या लगा था वो इतने सारे गुंडे लेके मुझे रोक लेगा? तो ये उसकी गलतफहमी है। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ किसी भी खतरे का सामना करने के लिए। वो रहा वो माफिया, मुझे यहाँ दिख रहा है। तेरी ये गुंडे मुझे नहीं रोक पाएंगे। हट जाओ मेरे रास्ते से। ये लो, अब तुम्हारी बारी है। ये तो यहाँ पर भी पहुँच गया। एक काम करता हूँ, ट्रेन से भाग जाता हूँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा। भागते कहाँ पर हो? अभी जिसका कोई फायदा नहीं है, तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। मैं आ रहा हूँ, जरा देखो तो सही मौत का कितना खौफ है। ये सब तुम्हें तभी नहीं सूझा जब तुमने मेरे माँ बाप को मारा था। यहाँ पर आओ, ये लो, तुम्हें तो आज मैं जला के राख कर दूंगा। अब ये खाओ और ये लो, तुम नहीं बचोगे। मामूली से इंसान हो तुम मेरे सामने। आखिरकार मेरे कलेजे को ठंडक हुई, मैंने उसे मार ही दिया। मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति मिल गई होगी। पर एक बात मैं समझ गया हूँ, यहाँ पर एक भी इंसान ठीक नहीं है। भले वो
अवेंजर हो, मैं पूरी मानव जाति को ही खत्म कर दूंगा। यहाँ पर सब मतलबी है, सब बस खुद का सोचते हैं। कुछ साल और बीत गए, चोचो धीरे धीरे करके पूरी मानव जाति को खत्म कर रहा था। अब तो उसका साइज भी बड़ा हो चुका था और उसमें बहुत ज्यादा पावर आ चुकी थी। उसने आधे शहर को आग लगा दी थी। वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता था। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि वो माफिया ही नहीं, ये पूरी मानव जाति उसके माँ बाप के मौत के जिम्मेदार है। वो अब रुकने वाला नहीं था, पर अवेंजर को इस बात का पता चल चुका था और वो इसे रोकने आने ही वाले थे। तुम्हें क्या लगा तुम सब गलत काम करके बच जाओगे? मैं पूरे शहर को एक साथ खत्म कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। ये लो। अरे बाप रे, ये क्या, ये तो पहले से कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है। मुझे इसे रोकना ही होगा। अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता हूँ। अब ये लो, मुझे इसे इसके असली रूप में लाना होगा। मुझे लगता है मैंने इसे हरा ही दिया है। जल्दी से जाता हूँ उसके पास, ये किसी भी वक्त जाग सकता है। मुझे इससे इसकी पावर छीननी होगी। इसका यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। मैं इसे अवेंजर मेंशन पर लेके जाता हूँ, वहीं पर उसे कैद कर दूंगा। तो ऐसे अवेंजर ने चूचू चार्ल्स को पकड़ा। ओ भाई साहब, तो ये बात है, ऐसे पकड़ा था तुमने इसको। अच्छा हुआ भाई, ये काम तो गलत कर रहा था, पर देखा जाए तो ये भी सही है, क्योंकि इस पर बहुत बीती है भाई। तुम बोल तो सही रहे हो, पर ये लोगों के लिए अब खतरा बन चुका था, तो मुझे ये करना पड़ा। हाँ वो बात भी है, मजबूरी में आदमी क्या करेगा।